जी शेख हदीस, गुजरात। ये है कि रात का खाना मत छोड़ो, ख्वाही मुट्ठी भर खजूर ही सही, इसलिए कि इसका छोड़ देना आदमी को जल्द शेख बूढ़ा कर देता है। इतने इन्होंने मांगा 3355। जी, शेख महादी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं? जी, दिखाइए जयफ रवाय थे शेख, मैं जी। जी जस्ट बिल्कुल, वो मैंने भी उसको तलाश किया। ये ओके ज़ईफ़ रिवायत है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदउल आशा, आशा मतलब रात का खाना, डिनर, रात का जी खाना ना छोड़ो, वलो बिकफ मिन तम्र, चाहे एक जो है मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, फइन्न तर्कहु युहरिमु, कोई अगर उसको छोड़ता है तो बूढ़ा हो जाएगा। ये जी इब्ने माजा की रिवायत है और ये ज़ईफ़ है, रिवायत ज़ईफ़ है। इसके अंदर इब्राहिम इबिन अब्द सलाम ये रावी हैं, जो है ये मारूफ नहीं है, मजहूल रावी हैं। इसी तरह और इसके अंदर अब्दुल्ला इबिन मैमून है, और भी कई इसके अंदर इल्लतें हैं। बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये सही नहीं है। तो जी शेख, भाई, रात के उम्मीद है खाने के काफी ताल्लुक से कोई भी हदीस नहीं है कोई खास? क्या मतलब खाने के ताल्लुक से, क्या कि रात में क्या खाएं मतलब या कब मैंने खाएं सुना कितना है कि खाएं? जैसे कि नहीं, वैसे नहीं, मैंने सुना है कि रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, अगर भूख है तो खाना चाहिए, मतलब बिना खाए नहीं सोना चाहिए, ऐसा हाँ कुछ। देखिए, रात के खाने से मुताल्लिक जितनी रिवायतें हैं मेरे सामने, इसको कई रिवायतें हैं, वो सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं, जिसमें रात के खाने पर उभारा गया है या उसकी कोई फजीलत बताई गई है या उसका कोई अलग से फायदा बताया गया है, वो रिवायतें सही नहीं हैं। अब बाकी रहा सवाल कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो आदमी के अपने ऊपर है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीजें टिब्बी नाहिये से अगर वो नुकसानदेह हैं, इल्मे तिब या मेडिकल साइंस आपको बताता है कि फला काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है, तो जाहिर है जो चीज नुकसानदेह है हमें उससे बचना चाहिए। तो अगर अतिब्बा बताते हो कि रात का खाना अगर छोड़ोगे तो नुकसानदेह है, तो फिर उसको खाना, ये हमें खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शरीयत है हमें इस तरह की जो मेडिकल से जो चीजें साबित हैं दुनियावी तजर्बे से, हमारी शरीयत उसको फॉलो करने का हुक्म देती है, जो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनसे बचने का हुक्म देती है। लेकिन ये चीज मैं नहीं समझता हूं कि ये चीज हर आदमी के लिए बराबर है। किसी को, कोई आदमी शाम का खाना उसको नुकसान करता है, को किसी आदमी के लिए जरूरी होता है, हर आदमी की तबीयत अलग अलग होती है, तो इसका ताल्लुक किसी शरई मसले से नहीं है, उसका ताल्लुक इंसान की अपनी जरूरत से है।